तो आज खुशी के मौके पर हम सब भाई बहन एक साथ हैं और ये मौका बहुत मतलब साल में एक बार हम लोग आते हैं, लेकिन ये खुशी ना इस बार हमको चाची से मिलना था, हम यहीं पे आएंगे। चाची की आंखों का प्रॉब्लम है। तो शॉपिंग वाले व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था कि हमने क्या क्या शॉपिंग की और कहा था कि इसके आगे से ये वीडियो कंटिन्यू करूँगी। तो आज मैं उसी वीडियो से आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। जैसा कि मैंने कहा था कि ये सब शॉपिंग के बाद जो भी चीज़ नहीं खरीदते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि भगवान के सामने हल्दी कुंकू करते हैं। तो वही मैं करने जा रही हूँ। ये सब शॉपिंग मैं आपको दिखा चुकी हूँ, तो चलिए सबसे पहले हल्दी कुंकू कर लेते हैं। तो सबसे पहले कोई भी चीज लाते हैं तो भगवान जी के सामने अर्पण करते हैं। तो ये देखिए आज की हमारी शॉपिंग। तो चलिए भगवान जी को भी अर्पण करते हैं हम सबसे पहले, क्योंकि भगवान जी हमको देते हैं तभी हमारी बरकत होती है और भगवान ऐसे ही तन मन सेहतमंद जिंदगी बनाए रखे सबकी और धन धान्य चलेगा। नहीं, थोड़ी देर बाद। तो यहाँ मैंने भगवान जी से प्रार्थना कर ली है कि इसी तरह से हमारा जीवन खुशहाल बनाए रखे, सभी को सबसे पहले सेहतमंद जिंदगी दे और धन धान्य से भंडार सदा भरा रहे, सदा बरकत दे। और ये लीजिए, आप भी मुँह मीठा कर लीजिए। तो बस ये देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा है, अमन भी खुश है। और चलिए, तो अब इसके बाद के बाद रात हो चुकी थी, तो रात को मैंने यहाँ पर हल्दी केसर और बादाम का मिल्क तो दूध बनाया था, जिसमें जो कि मखाना डालते हैं वो ही मैंने डाला था, तिल थे वो भी डाला था, लेकिन खुशबू को ये सब चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है। तो खुशबू के लिए यहाँ पर छान रही थी, क्योंकि उसके मुँह पर एक भी चीज़ दाना आ जाता है तो उसको नहीं पीती है। तो एटलीस्ट मैंने उसको छान लिया ताकि उसका जो रस सब चीज़ें उसमें दूध में आ जाए। तो मैंने उसके साथ खौला के दूध को पूरी तरह से छान कर दूध को फिर से एक बार मैं छान ले रही हूँ। इस तरह से दो बार दूध छान कर मैं जाकर खुशबू को दूंगी। खुशबू ऐसी है वो उसके मुंह पे ज़रा भी आएगा तो बिल्कुल वो दूध नहीं पिएगी। दूध रेडी हो गया है, तो अब मैं उसको जाती हूँ और हम लोग इस दूध को एंजॉय करते हैं। और कल है रक्षाबंधन, तो कल हम लोग सभी लोग जाएंगे। राखी देखिए सुबह दूसरी सुबह हो गई है, रक्षाबंधन की सुबह 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 सबसे पहली राखी जो बन रही है वह बन रही है हमारे नियो को। और हमारे नियो को पता है कि अब उसको जाना हो, रेडी हो जाएगा, इसलिए अगले फोटो में उसका रिएक्शन देखिए कितना उदास हो गया है। ये देखिए कितना उदास होकर राखी बना रहा है, क्योंकि उसको पता है अभी उसको शेल्टर में जाना है। और खुशी खुशी वो खा रहा था और यहाँ चल दिया है नियो। अमन उसको ले जा रहा है शेल्टर में जाने के लिए, क्योंकि पूरा दिन उसको अकेले हम नहीं छोड़ सकते। और इस बार हमने सोचा था चाची के यहाँ जाएंगे, कि बहुत दिनों से चाची के यहाँ पर हम गए नहीं। लिफ्ट बंद। दोस्तों आज के नए व्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को रक्षाबंधन की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। तो आज हम सब मिलकर आज का दिन बहुत विशेष होता है। शुरू से हमारे जीवन में मेरे आठ भाई हैं, आठों भाई मिलकर पहले राखी बांधा करते थे, छोटे छोटे ऐसे बैठ जाया करते थे। बट अब सब कैसे होता है ना, बड़े होने के बाद लोग अलग हो जाते हैं, दूर रहने लगते हैं, तो उस वजह से नहीं हो पाता मिलना। लेकिन जो भी अभी समय है हमारे साथ, उनको हम मिलकर राखी बांधेंगे, बहुत मज़ा आने वाला है। और जो नहीं है नज़दीक, उनके लिए बहुत बहुत हम उनको प्यार भेजेंगे और बहुत ज़्यादा मिस करेंगे भाई लोगों को। लेकिन हमारी दुआएं, हमारी शुभकामनाएं, हमारी दिल की भावनाएं जो दूर हैं इस समय, उनके पास तक पहुंच जाएगी। तो जो इस समय इस शहर में नहीं रह रहे हैं या जो इस शहर में रह कर भी हमसे मुलाकात नहीं हो पा रही है, उन सब भाइयों के लिए मेरा ढेर सारा प्यार। तो चलिए अब मैं तैयार हो जाती हूँ कि फटाफट हमको जाना है इस बार हमने। तो चलिए आप लोग भी हमारे साथ चलिए हमारे भाई के घर पर। भाई और मम्मी लोग को आने में भी समय था, तो हम सब तैयार होकर आ गए थे मॉल। और ये देखिए मेरा सूट कैसा है, आप भी बताइए। तो हम मॉल इसलिए आए कि खुशबू को राखी का गिफ्ट देना है। मैं देती हूँ, दीदी देती है और मम्मी देती है, सभी लोग की तरफ से खुशबू को राखी का गिफ्ट मिलता है। और इस क्लिप में मैं आप लोगों को, हम सब मिलकर आप लोग को राखी का विश कर रहे थे। हैप्पी रक्षाबंधन, हैप्पी 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 रक्षाबंधन।
तो अब सब लोग रेडी हो चुके हैं, तो बस निकलने के लिए भाई गाड़ी निकालने चला गया और फोटो ना खिंचाया जाए, ऐसा हो सकता है कि कभी, तो बस वही हम सब लोग एक दो सेल्फी खींच लिया हम लोगों ने और अब हम निकल चुके हैं भाई के घर के लिए। भाई ऑलरेडी गाड़ी निकाल चुका है, पीछे से मेरी दीदी आ रही है, मिठाई वगैरह दीदी ले आई थी वो लेने। कार में चार जन जा रहे हैं। सीता क्या करें, छोटी पड़ती हम लोगों कार। और ये देखिए बाहर का नज़ारा, कितनी प्यारी प्यारी बूंदे हैं, इतनी झमाझम बारिश हो रही थी कि बहुत। और ये देखिए बीच में हमको सूरज भगवान भी दिख गए, तो ये जो बूंदों का सब बूंदे, बारिश और हल्की सी धूप और ठंडा वातावरण, इन सबका संगम बहुत ही सुंदर दिख रहा मन लग रहा था। और हम सब उस गाड़ी में चार जो जन इंजॉय करते हुए एडजस्टमेंट के सहारे चल रहे थे और हम पहुँच चुके हैं अब भाई धके घर पे। और ये देखिए जब ये पैर छूने की परंपरा है ना, ये बहुत ही प्यारी है। और जैसे कि हमारे घर पे हमेशा लड़कियां पैर नहीं छूती हैं, तो आज खुशी के मौके पर हम सब भाई बहन एक साथ हैं और ये मौका बहुत मतलब साल में एक बार हम लोग आते हैं, लेकिन ये खुशी ना इस बार हमको चाची से मिलना था, हम यहीं पे आएंगे, चाची से आने का प्रॉब्लम है। हाँ मिलने आते हैं, वहाँ मम्मी बैठी है, ये मम्मी हमारी, ये देखो ये है हमारी परंपरा, ये जरूरी है। अरे चाची रहने दो, अरे चाची ये हमारे यहाँ लड़कियाँ पैर नहीं चुती हैं, बोलो भाई साहब कुछ। हमारे यहाँ लड़कियों का राज चलता है। हाँ हमारे यहाँ लड़कियों का राज चलता है। और ये देखिए मेरी चाची इतनी उम्र की हो गई फिर भी लड़कियों के पैर छूती है, लड़कियों को कभी ना तो बहने पैर छूती है ना बेटियां पैर छूती है अपने मम्मी पापा के। तो ऐसा नहीं है कि लड़कियां पैर नहीं छूती तो सम्मान नहीं देती, सम्मान रिस्पेक्ट उतना ही होता है, बस हमारे यहाँ लड़कियों के पैर छुए जाते हैं ना कि लड़कियां किसी के पैर छूती हैं। तो पैर छूना यह नहीं कि हम सम्मान नहीं देते अपनी बहनें, हमारे यहाँ लड़कियाँ सम्मान इतना सम्मान उतना ही होता है, रिस्पेक्ट उतनी होती है। यहाँ मेरे चाचा को दीदी राखी बांध रही है, तो अगले वीडियो में मैं आपसे इसका शार्ट शेयर करती हूँ कुछ रक्षाबंधन के राखी बांधने क्लिप। और ईश्वर से दुआ करती हूँ कि हर भाई बहन की जोड़ी सलामत रखे के और भगवान सबको यह दिन दिखलाए कि वह उसके भाई के जीवन में भाई की कलाई पर सदा वह राखी बांधते रहे और का आशीर्वाद मिलते रहे। तो अगले वीडियो में मिलते, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपका ढेर सारा प्यार दीजिए, खुशियां बांटते रहिए और खुशियों से ही जीवन बनाए, जो भी मिले उतने में संतोष कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय टाटा।